मैं दीपा वर्मा भिक्षा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों हमने अभी इकाई आपने इकाई पाँच के पूरे लगभग तीनों चैप्टर खत्म कर लिए होंगे। कौन कौन से भैया देख लो, इकाई पाँच का कौन कौन सा, खनिज संसाधन और औद्योगिकरण, दो विश्वविद्यालयों के बीच नाजीवाद फांसीवाद और सरकारी बजट का निर्धारण, है ना। तो इससे हमने क्या 2 मार्क्स और 4 मार्क्स से क्वेश्चन कर लिए, जिसमें फिर मैंने क्या कहा था इसका जो 1 मार्क्स का MCQs क्वेश्चन है उसको मैं अलग से कराऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों चैप्टर के क्या है MCQs एक बार में देखेंगे, ठीक है। MCQs देखोगे तो चाहे वो खाली स्थान हो, जोड़ी मिला हो, वही आपको क्या है जोड़ी बनाते हुए बन जाएगा, ठीक है। तो चलो MCQs को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला कौन सा है, अध्याय खनिज संसाधन, ठीक है। चलो MCQs पे आ जाते हैं भैया। पहला पढ़ो, भारत में खान खनिज विकास विनियम एक्ट 1967 के अनुसार खनिजों को कितने वर्गों में बांटा गया था, याद करो, 4, परमाणु ऊर्जा, धात्विक अधात्विक, तो कितने थे भैया, 4, ठीक है। लौह अयस्क कौन से वर्ग में आता है बताओ, लौह अयस्क में क्या है, धातु, तो कौन से में आएगा भाई, धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, मतलब अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कि धात्विक खनिज कौन सा है, तो बताओ भाई, चूना पत्थर अधात्विक है, अभ्रक अधात्विक है, जिप्सम अधात्विक है, तो तांबा क्या है, धात्विक, क्योंकि इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, ये क्या है, उष्मा का सूचालक होता है, ठीक, तो आपको ऐसे याद करना है, ठीक। मैग्नेटाइट लौह में अयस्क में लोहे का कितना अंश होता है भाई, तो 70.4। लोहे के अलग अलग प्रकार है ना, जिसमें क्या लौह अंश के अनुसार उसको अयस्क में विभाजित किया जाता है, तो मैग्नेटाइट में कितना पाया जाता है, 70.4, ठीक है। देश में लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, उत्पादन में पहला है, भंडारण में तीसरा है, ठीक। छत्तीसगढ़ में उच्च कोटि का मैग्नीज कहाँ पाया जाता है भाई, बिलासपुर में पाया जाता है। विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूब, फिलामेंट में किस खनिज धातु का उपयोग किया जाता है भाई, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तांबा हम तार बनाते हैं, लेकिन फिलामेंट में किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। चलो, सीसा का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है, राजस्थान में है। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख स्रोत है, बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, हम वायुयान बनाने में उपयोग करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण धातु है, ठीक है। ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मिलता है, कोरबा जिले में, ठीक है। तो बॉक्साइट क्या है, इसका प्रमुख स्रोत है। 1866 में तेल खोजने के लिए कुएं किस क्षेत्र में खोदे गए थे भाई, ये आसाम में मिले थे, ठीक। किस नदी के बेसिन में पेट्रोलियम का भंडारण ज्ञात हुआ है, कृष्णा गोदावरी, ऑप्शन ए। थोरियम पाया जाता है केरल में। उद्योगों की स्थापना संबंधित कारणों को में शामिल नहीं है, उद्योग स्थापित करें तो क्या भाई, यातायात अच्छी होना चाहिए, वहाँ कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, बाजार होना चाहिए, ठीक है, रोजगार मतलब काम करने के लिए वहाँ लोग मिलने चाहिए, ठीक है भाई। तो यातायात के साधन चाहिए तो इसको हटा दो, औद्योगिक नीति चाहिए, कच्चे माल की चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र जरूरी नहीं है, हम ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग नहीं लगाते हैं, ठीक। 3 प्रमुख नीतियों में शामिल नहीं, हमने क्या पढ़ा था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो कौन सी नीति नहीं है भाई, बाजारीकरण, और निजीकरण था, वैश्वीकरण था, उदारीकरण था, तो ये 3 ऑप्शन हटा दो, तो बचा क्या है, बाजारीकरण, ठीक। अगला, भारत के बृहद औद्योगिक क्षेत्र से भिन्न है, कौन से भिन्न है भाई, छोटा नागपुर प्रदेश पढ़ा था, हाँ यहाँ पे पढ़े होता है, गुजरात प्रदेश भी है, गुड़गांव दिल्ली का भी क्षेत्र है, तो कौन सा, हिमाचल कश्मीर, ये क्या है, हिमालय प्रदेश है, तो ये हमारे औद्योगिक वृहद औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं आता है। चलो आगे आ जाओ, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी योजना काल में हुई थी भाई, तृतीय काल में हुई थी, ठीक। भारत में पहला खनन कानून कब बना था भाई, 1950 में बना था। खनन के निजीकरण के बाद सकल घरेलू उत्पाद में खनन का योगदान क्या हुआ है भाई, घट रहा है। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी भाई, तांबा थी। गुजरात का आनंद विश्व क्या है भैया, अमूल दूध पीता है इंडिया, किसके लिए भाई, डेयरी उद्योग, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे हमारा, दो विश्व युद्धों के बीच नाजीवाद और फांसीवाद, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विस्तारित विचारधाराओं में शामिल नहीं है, कौन कौन सी आई थी भाई, लोकतंत्र आई थी, उदारवाद, साम्यवाद, विचारवाद, दक्षिणपंथी, तो कौन सी नहीं थी, उदारवाद था, समाजवाद था, दक्षिणपंथी विचारधारा थी, तो कौन सा नहीं था, बी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको पता है ना कि आंसर ये नहीं हो सकता, तो सबको ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो एक ऑप्शन ऐसा होगा, अच्छा ये हो सकता है, तो अगर आपको सही आंसर नहीं पता ना, तो आप आंसर काटने की कोशिश करो, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक। चलो आगे, हिटलर घोर विरोधी था ईसाइयों का, मुसलमानों का, यहूदियों का, बौद्धों का, तो उस टाइम किसका था भाई, बौद्धों, यहूदियों का, उसने क्या बहुत ज़्यादा यहूदियों को वहाँ से निकाला था, उनकी हत्याएं करवा दी थी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, 5 थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, तो कौन नहीं है भाई, जर्मनी, ठीक। द्वितीय युद्ध का तत्कालीकरण क्या था भाई,
जैसे प्रथम विश्व युद्ध का ऑस्ट्रेलिया पे हमला था, यहाँ क्या बना भाई, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला भाई, तो ये 1939 से 1945 तक चला। ठीक, फासीवाद का विरोध ही है, कौन है भाई फासीवाद, किसका विरोध करते हैं भाई, लोकतंत्र का। चलो आ जाओ, रोम टोक्यो बर्लिन, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण कब हुआ था भाई, 1937 में। ठीक, जर्मनी की सेना पहली बार कहाँ पे हारी थी भाई, स्टालिनग्राद में। ठीक, इटली का फासीवाद तानाशाह कौन था, इटली फासीवाद कौन था, मुसोलिनी। ठीक, चलो आगे आते हैं, यहूदियों के लिए 1948 में किस जिस देश की स्थापना की गई थी वो कौन थी, इजराइल, अलग से देश की निर्माण की गई, कौन थी भाई, इजराइल। चलो अब नेक्स्ट अगले चैप्टर पे आते हैं, सरकारी बजट और कर निर्धारण। ठीक, अब इसमें से हमको एमसीक्यूज निकाल लेते हैं। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है भाई, कितने दिनों का किया जाता है, 100 दिनों का किया जाता है। सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है भाई, ऋण देगी, नहीं, सरकारी कंपनियों का लाभ नहीं, किसमें होता है भाई, कर होते हैं। ठीक, सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है भाई, बजट कहलाता है। केंद्रीय बजट पारित किया जाता है, कहाँ किया जाता है भाई, संसद में। हमने देखा ना वित्त मंत्री पापा वहाँ संसद बजट को पारित कर बोल बताते हैं, फिर क्या है उसको, उसके मतदान होता है, तो कहाँ पारित होता है भाई, संसद में होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर है कौन सी भाई, सेवा कर, डायरेक्ट लिया जाता है बच्चों लोगों से। सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण नहीं है, बिजली देना, सड़क बनाना, रेल, तो ये तो सभी लोग यूज करते हैं। कार क्या है, ये निजीगत होता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, सरकार का मुख्य दायित्व है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, सही है, धन वसूलना, ऋण देना, उद्योग लगाना, नहीं है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सबसे मुख्य दायित्व क्या है सबके, एटलीस्ट जो निजी जीवन की आवश्यकता है उसको पूर्ति करना। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाने वाला कर क्या होता है भाई, आयकर होता है। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, भारत का वित्त मंत्रालय करता है। लोकसभा में बजट पर भाषण दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है भाई, हमारे वित्त मंत्री देते हैं ना, अभी निर्मला सीतारमण ने जी ने क्या दिया था, 1 फरवरी को दिया था, तो कौन देता है भाई, वित्त मंत्री द्वारा। एक संतुलित बजट किसे कहा जाता है, जब आय और व्यय बराबर हो। ठीक है, अगर आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो है ना, तो भाई पैसे कहाँ से लाओगे, इसलिए क्या दोनों चीजों को संतुलित लिया जाता है। ठीक है, राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है, कर राजस्व में वृद्धि करके, मतलब लोगों से ज्यादा कर लिया जाए, सही बात है, सरकारी व्यय में कम किया जाए, सही बात है, सरकार द्वारा अपव्यय को रोका जाए, सही बात है, तो क्या होगा भाई, उपरोक्त सभी के द्वारा, इसका आंसर होगा डी। आगे आ जाओ, भारत का वित्तीय वर्ष कब से होता है भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप लोग पेपर देते खत्म करते हो ना, बस सरकार वही रोकती है भाई कि बच्चों का पेपर खत्म होने दो, फिर हम अगला वित्तीय वर्ष चालू करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है, कौन सी नहीं है भाई, ऋणों की वसूली, विदेशी अनुदान, संपत्ति कर, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ, तो इसमें से राजस्व प्राप्ति कौन सी नहीं होती भाई, विदेशी अनुदान, अनुदान, अनुदान को हम क्या है, प्राप्ति में नहीं गिनते। ठीक है, तो बच्चों ये क्या था हमारा पूरा इकाई 5 के, हमने क्या है पूरे एमसीक्यूज को खत्म किया। ठीक है, अभी आपका इकाई 5 खत्म हो गया, अब आपके केवल 2 या 3 इकाई बचे हैं, जिसमें से 3-4 चैप्टर ही बचे, बाकी पूरा आपका एसएससी खत्म हो गया। और इतना अच्छे से कर लो, पूरी चैप्टर की तैयारी 70-80% की तैयारी हो गई है, अब कुछ ही मार्क्स से क्वेश्चन है जिसको करना है, जिसको आप क्या हम 2 से 3 दिन में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अपनी तैयारी इसी तरह करते रहो, कुछ भी डाउट हो तो पूछो, और लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, हम अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।